है कि एक टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी, एक आर्ट हमारे भीतर अपने जीवन के विकास के लिए भी तो होना चाहिए। अपनी मलिनताओं को हटाने का हम पुरुषार्थ करें और निरंतर अपने जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प हमारे मन में हो, तो हमारी ये कर्मबंध की प्रक्रिया सही मानी जाएगी। वरना मैंने देखा है कि कर्मों के बारे में राय रत्ती जाने वाले जीवन को मालूम है कि किस प्रकृति का बंध कहां तक होता है, किसका उदय कहां तक चलता है और किसकी सत्ता कहां तक चलती है, और क्या टेक्नोलॉजी है कि हम इन चीजों को अपने भीतर ही सत्ता में नष्ट कर सकते हैं, क्या उत्कर्षण है, क्या अपकर्षण है, क्या उदय है, क्या उदीर्णा है और क्या संक्रमण है, राय रत्ती जानते हैं। बैठ जावे तो ऐसी चर्चा करें कि चर्चा सुनकर के सामने वाले को लगे कि अद्भुत है ज्ञान, लेकिन जरा जीवन में झांक करके देखें तो वहां सारा कुछ अज्ञानता में व्यतीत हो रहा है। इसलिए मैंने वो सारी बातें बहुत मुख्य नहीं रखी। हमने तो सिर्फ कर्म सिद्धांत से यही सीखने की कोशिश करी है कि मेरी अपनी अज्ञानता में मेरे से जो कुछ भी बुरा हो गया है, अब मैं उसके लिए रोऊं तो रोने से कोई फायदा